पांचवी का स्मार्ट चार्ट पढ़ेगी। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो यहाँ पे टेढ़े चिन्ह की मदद से स्मार्ट चार्ट बना है। टेढ़े चिन्ह हम सीखेंगे, टेढ़े चिन्ह की मदद से हम यहाँ इन फलों की संख्या का पता लगाएंगे। आपको दिख रहा है यहाँ फल, ये फल लिखे हैं, फलों के नाम आम, सेब, अमरूद और नींबू। इधर यहाँ पे बने ये टेढ़ी चिन्ह बने और इधर ये यहाँ पे संख्या हमको याद करना है। अब मैं आपको ये बता दूं कि टेढ़ी चिन्ह किस प्रकार से हम गिनेंगे। तो यहाँ पे ये आयताकार जो डिब्बा बना हुआ है, इस आयताकार में यहाँ इस कोने से इस कोने तक एक रेखा खींची हुई है। इस टेढ़ी चिन्ह यह पूर्ण टेढ़ी चिन्ह है और इस पूर्ण टेढ़ी चिन्ह को हम पांच संख्या से दर्शाते हैं। ये एक अधूरा टेढ़ी चिन्ह है, इसको हम एक दो तीन के हिसाब से इसको ये तीन संख्या दर्शा रहा, ये एक संख्या दर्शा रहा, इस प्रकार से हम इसको काउंट करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब हम टेढ़ी चिन्ह गिनेंगे। आम एक दो तीन और चार, चार पूर्ण टेढ़ी चिन्ह है इसलिए हो गए ये चार पंच बीस इक्कीस बाईस और तेईस। ये हमारी संख्या आ गई, आम की संख्या 23 हो गई। अब सेब की संख्या पता लगाएंगे, एक दो और तीन, तीन पूर्ण टेढ़ी चिन्ह है इसलिए पांच भी 15 हो गए और एक ये हो गया 16, इसलिए सेब की संख्या आ गई हमारी 16। अमरूद, अमरूद एक दो, दो पूर्ण टेढ़ी चिन्ह है तो दो पंजे हो गए 10, 10 और ये चार हो गए 14। ठीक है, अब नींबू की संख्या एक और एक ये दो, दो पूर्ण टेढ़ी चिन्ह में है तो 10 हो गए और एक दो, 10 और ये दो मिलके हो गए 12। इस तरह से हम स्मार्ट चार्ट से संख्या का पता लगाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें ये पता लगा सकते हैं कि सबसे कम संख्या किस फल की है, सबसे कम संख्या किस फल की है, तो हम बता सकते हैं कि ये नींबू की संख्या सबसे कम है। सबसे अधिक संख्या कौन सा फल की है, सबसे अधिक ये आम की संख्या सबसे अधिक है। सेब की संख्या 16, इस तरह से हम टेढ़ी चिन्हों की मदद से हम संख्या आंकड़ों का पता लगा सकते हैं। अब हम इधर देखेंगे ये बार चार्ट बना है, इस बार चार्ट की मदद से हम किस ओवर में कितने रन बने हैं ये हम आसानी से पढ़ सकते हैं। इधर आपको दिख रहा है ये ओवर प्रदर्शित हो रहा है, इधर एक से लगा के पांच ओवर तक दर्शा रहा है और इधर ये रनों की संख्या दर्शा रहा है कि कौन से ओवर में कितने रन प्राप्त हुए हैं। एक ओवर में 9 रन प्राप्त हुए हैं, दूसरे ओवर में 4 रन मिले हैं, तीसरे ओवर में 6 रन मिले हैं, चौथे ओवर में 10 रन मिले हैं, पांचवे ओवर में 2 रन मिले हैं। अब आप इसको आसानी से समझ पाएंगे कि किस ओवर में कितने रन मिले हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि सबसे अधिक रन किस ओवर में मिले हैं, आप बता पाओगे, चौथे ओवर में। वेरी गुड, चौथे ओवर में सबसे अधिक रन प्राप्त हुए। सबसे कम रन कौन से ओवर में प्राप्त हुए हैं, सबसे ओवर में पांचवे ओवर में। वेरी गुड, सबसे कम रन मिले हैं यहाँ पे, कितने रन मिले हैं सबसे कम 2 और सबसे ज्यादा कौन से रन है, सबसे ज्यादा 10। वेरी गुड, 10 रन सबसे अधिक है, कौन से ओवर में 10 रन सबसे अधिक है, 4 में। ठीक है, और 9 रन किस ओवर में मिले हैं, पहले में, और 6 रन किस ओवर में मिले हैं, तीसरे में। वेरी गुड, अब आपको आसानी से ये स्मार्ट चार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।